अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा जी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ हेयर टॉनिक की जो रेसिपी है वो ज़रूर शेयर करूँगी, और ये बहुत ही आसान चीज़ों से बन जाती हैं जो कि घर में ही अवेलेबल होती हैं। अगर नहीं होगा तो आई थिंक एलोवेरा जेल ही नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप उसे फ़ौरन लेकर आ जाएँ क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी इसके फ़ायदे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है ये सॉल्ट, और ये सॉल्ट जो है बालों की रफनेस को दूर करता है और आपके बालों में जो है वो एकदम शाइनिंग लाता है जो टॉनिक के हम इसको ऐड करेंगे। तो जी सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल के तो इतने ही फ़ायदे हैं कि बताते बताते आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको हम शॉर्ट वीडियो में बताती जाऊँगी मैं आप लोगों को। भाई जो एलोवेरा जेल के बेनिफिट हैं बालों के लिए वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले तो ये कि बालों में जो खुश्की हमारे हो जाती है, और खुश्की भी आपको पता है रफनेस की वजह से ज़्यादा हो जाती है, खास करके इस मौसम में जब आप देख रहे हैं इतनी ड्राइनेस हो रही है, तो ये आपकी ड्राइनेस को दूर करता है और आप बालों के जो स्कैल्प है उसको साफ़ करता है, खुश्की ख़त्म करता है, बालों में ग्लो लेकर आता है, चमकता हुआ आपको एहसास खुद ही आपके अंदर बालों में फ़ील होगा, बहुत ही प्यारा टेक्स्चर लेकर आता है। ये वाली बॉटल में आप ले लीजिएगा, खाली बॉटल्स भी अक्सर हमारे पास पड़ी होती हैं, जैसे कि हमारे पास अर्के गुलाब होता है उसकी बॉटल ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, तो आपने क्या करना है उसकी बॉटल को अच्छे से वॉश कर लेना, और आपने स्प्रेस या टॉनिक जो भी है आप उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। अब मैं ये जितना भी हमारा टॉनिक है वो उसके अंदर ऐड कर दूँगी। लोगों ने जब भी इसको लगाना है हल्का सा आपने इसको अच्छे से शेक कर लेना है, और फिर बालों पर स्प्रे कर लेना है। इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, अक्सर शादी में जा रहे होते हैं तो बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा अजीब हुए हुए होते हैं, सेट करते करते भी सेट नहीं होते, और आप कोशिश क्या करें जो हेयर स्प्रे मिलते हैं जो बालों का कढ़ा देते हैं तो उसे तो अवॉइड ही करें, वो बेहतर है, ये बहुत अच्छा रहता है, बालों का कढ़ाता नहीं है लेकिन ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारे बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी के बाल बहुत अच्छे हैं, मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, और हमेशा जो भी मैं ऑयल यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, और माशाल्लाह से इसकी लेंथ भी बालों की अब काफ़ी 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 बेहतर होती जा रही है। पहले बहुत ज़्यादा इसके जो है वो हेयर फॉल हो रहा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हो गया। अब मैंने इसके बालों पर जो है वो स्प्रे किया है, थोड़ा सा स्प्रे किया, आप खुद देखिएगा
और कितनी इसके बाल जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। वैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कभी रफ़ बालों पर से ट्राई करके देखिएगा तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये टॉनिक जो है वो कितना ज़बरदस्त। देखा जाए एलोवेरा जेल के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं स्किन के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपकी स्किन पे जो है वो एक्ने हुआ हुआ है तो आप इसका एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फेस टर्न करके मैं आपको क्लू चेक करा रही थी कि इसके बालों पे कितनी प्यारी चमक आ गई है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।